यस बच्चों, जीपी का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ जीपी 2, 1, 1/2 एंड अप टू 6 टर्म्स, मतलब 6 टर्म्स सम हमें सम फाइंड करना है। सो वी हैव फॉर्मूला, वी ऑलरेडी डिराइव दैट फॉर्मूला, दैट एस एन इज इक्वल टू व्हाट? A under bracket 1 minus R raised to N upon 1 minus R। ये हमने डिराइव किया लास्ट वीडियो में, आपको समझ में भी आ गया। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे। इसके अंदर पहले सेपरेट कर लेते वैल्यूज। A गिवन है, कितना है? 2 है। R गिवन है, कैसे निकालते हैं यार? T2 upon T1, राइट? रेशियो T2 upon T1, तो क्या आएगा? 1/2 या फिर T3/T2, इसका मतलब 1/2/1 मीन्स 1/2। सो R कितना मिला बच्चों? 1/2। A कितना गिवन है? 2, तो यहां पे डाल देते। और N कितना लेना है यहाँ पे? N इज इक्वल टू क्या लेना है बच्चों? 6 लेना है, क्योंकि अप टू 6 टर्म्स हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों? ओके, तो S6 इज इक्वल टू ए लेंगे हम 2, 1 माइनस R। R क्या लेंगे बच्चों? R लेंगे 1/2। पावर क्या लेंगे N? हम 6 लेंगे। ओके बच्चों, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1 माइनस R, R मीन्स 1/2। सही है बच्चों? फाइन, टू वैसे ही रखेंगे, 1 माइनस 1 का पावर 6, मतलब 1, 2 का पावर 6 कितना होगा? 64। करेक्ट, 64 ब्रैकेट ओवर। नीचे क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम ले लेते हैं, 2 LCM 2 माइनस 1/2, क्या बचेगा बच्चों? 1/2। समझ में आया ना? एलसीएम लिया मैंने 2 माइनस 1, 1/2 हो गया बच्चों। बहुत बहुत अच्छा। अब ये 2 क्या होगा? डिनोमीटर में है तो डिनोमीटर में तो कहां जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर में। तो 2 के बदले मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। सही है बच्चों? ये 1/2 क्या हो गया? 2/1 हो गया बच्चों। इसका क्या होगा? एलसीएम होगा 64 माइनस 1/64। यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा, 64 तो है, कितना बचा? 63/64 बच्चों। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? अब कटिंग कर लेते हैं, कितना आएगा? 16 आ जाएगा। आंसर आएगा 63/16, है ना? इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 16 16 16 3 48 48 4 64 बचा कितना? 15। चेक कर लो। सही है? ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। सिक्स सम ऑफ द 6 टर्म्स हमने फाइंड किया। ओके, फॉर जीपी। क्लियर बच्चों? नोट इट डाउन, वेरी इजी। अरे जहां से अच्छा। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किया मैंने, उसके बाद देखा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कुछ करने जैसा है नहीं, आप बच्चे आराम से कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लगा कि कर लेते हैं। ज्यादातर डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ज्यादा यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाके सर ये सब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुश्किल नहीं है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, आपको पता है एसएन का 9th एक्सरसाइज चल रही है, वो भी डी। तो 9th डी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का ये सब क्वेश्चन नंबर 4। जीपी इज गिवन √3 + 3 + 3 + √3 एंड सो ऑन, इट्स द इनफाइनाइट जीपी एंड सम ऑफ द एन टर्म्स हमें फाइंड करना है फॉर द सेमी जीपी। ओके, तो बच्चा क्या करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट ई, विच ऑलरेडी गिवन। क्या गिवन है? √3 गिवन है ना, ये फर्स्ट टर्म गिवन है। और क्या गिवन नहीं है? क्या गिवन नहीं है? R भी हम फाइंड करेंगे ना बच्चों। R कैसे करते हैं? T2 upon T1 करते हैं। तो T2 क्या है हमारे पास? 3 है। और T1 क्या है हमारे पास? √3 है। आंसर क्या आएगा? √3। कैसे आया? पता है सबको, पता है 3 क्या होता है? √3 × √3 होता है। डिनोमिनेटर में क्या रखा था यहाँ पे? √3। तो √3 √3 √3 कैंसल आउट, आंसर इज √3 बच्चों। सही है ना? √3। ओके बच्चों।
तो देखो यहां पे एक और चेक कर लेंगे, T3 अपॉन T2 बार बार करना है, अच्छा रहेगा। 3√3, T3 क्या है, ये वाला 3√3, T2 क्या है 3 है, ये 3 कैंसल आउट होगा, √3। ओके बच्चा, ये जब रूट वाला जब ऑपरेशन होता है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो बच्चों ना कोई कोई है, मुझे पता है कोई कोई बच्चा ऐसा होता है 5% कि जिनको ये ऑपरेशन को देख के डर लगता है, अरे यार स्क्वायर रूट कहाँ आ गए, कहाँ हम लोग फंस गए, है ना। तो कभी भी ना यहाँ पे आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आपको इसको ढेर सारी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में ये ऑपरेशन हमने बहुत किए थे, तो 10th स्टैंडर्ड में यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस इफ यू थिंक दैट वी कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आपको क्वेश्चन लेके बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ भी कंफ्यूजन है यू कैन कॉन्टेक्ट मी, है आप मुझे मैसेज करो, बात करो, लेकिन ये ऑपरेशन स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने बच्चों को, मेरे बच्चों को मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूं कि अगर स्क्वायर रूट का कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो तो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम एक्स कोई वेरिएबल समझ के अगर उसको ऑपरेशन में हम लोग लेते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि √3 + 2√3, है ना, तो ये ऑपरेशन बच्चों सबको पता ही होता है क्या आंसर आएगा, लेकिन इजी समझने के लिए रूट थ्री को हम एक्स मान ले यहां पे, तो क्या हो जाएगा, x + 2x, तो आंसर आता है क्या 3x, तो यहां पे आएगा क्या 3 2+1 एंड √3 मतलब कि x 3√3। इसको वेरिएबल समझ के चलिए बच्चों, ओके। अगर मैं ऐसा लिखूं कि √3, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि गलती करते हैं, अगर अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या करोगे, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों बहुत खतरनाक जबरदस्त भयंकर किस्म के आंसर लेके आते हैं इसके, है ना बच्चे, सही ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही आंसर देख को ना चक्कर आ जाता है कि ये कौन सा ऑपरेशन किया है, है ना। तो जैसे कि कोई इंजीनियर जो है ना वो बॉडी का, मतलब कि ह्यूमन बॉडी का ऑपरेशन कर ले तो क्या वर्षा हो जाएगा, ऐसा ही हुआ यहाँ पे। ऐसे मैं खुद इंजीनियर हूं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऑपरेशन कई बच्चे भयंकर ऑपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया कि आपको वेरिएबल समझ के चलना है, तो ये वेरिएबल है कि नहीं, एक्स रूट थ्री अगर मैं एक्स मान रहा हूं तो √3 ≠√2, तो इसको मुझे वाई मानना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आएगा, कुछ नहीं होने वाला आगे, क्यों, दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए ना, x + 2y, क्या आंसर आएगा बच्चों, वही का वही आंसर आएगा, क्यों, दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए, तो इसको समझ के चलना है। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, जो आंसर आएगा वो √3 आएगा, सही है बच्चों। तो a मिल गया हमें, r मिल गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, SN = अभी आप देखो बच्चों कि √3 क्या है, √3 > 1 होगा ना, क्यों, क्योंकि 1.732 समथिंग उसकी वैल्यू होती है, सो विच इज ग्रेटर देन 1। तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाली करेंगे या वो ग्रेटर देन 1 वाली, मतलब कि R:n-1 वाली करेंगे, वही करेंगे ना, R:n-1 वाली। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, a_(n-1)/r-1, सही है बच्चों। क्या आएगा देखो, a की वैल्यू कितनी लेनी हमें, √3 लेनी है, r की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, वो भी तो √3 है, दोनों सेम है, उसका पावर n लेंगे -1 अपॉन क्या आएगा, r-1, मतलब क्या आएगा बच्चों, √3 - 1, सही है बच्चों। अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में हम लोग इरेशनल नंबर नहीं रख सकते, सही बच्चों, सो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, √3 - 1 + 1 + 1, सही है, a - b a + b रेशनलाइज करते हैं, हमने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में। तो √3, अब b क्या हो जाएगा, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × √3, तो क्या बन जाएगा ये 3, √3 × + 1,
क्या बन जाएगा, रूट थ्री, ब्रैकेट में ले लेते हैं बच्चों, सही है। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते भाई, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी इसका क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन, सही है बच्चों, किसी को डाउट नहीं यहाँ पे, ये आइडेंटिटी में, वेरी गुड, आप लोग होशियार हो। सो थ्री प्लस रूट थ्री, डिनोमीटर में क्या बचा भाई, थ्री माइनस वन मतलब टू, और मल्टीप्लीकेशन में ये रख लेते हैं रूट थ्री का पावर एन माइनस वन। ओके बच्चों, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन ये बस इतना ही मैक्सिमम हो सकता है। सो सम ऑफ एन टर्म्स जो आया वो क्या आया, ये आया। देखो जब भी सम ऑफ एन टर्म्स आएगा तो इसके अंदर एन तो होगा ही, क्योंकि हमें एन की वैल्यू नहीं पता है। ओके बच्चों, पुट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड एन एन एस एन वेयर गिवन डेटा इज आर, ए वन इज इक्वल टू फाइव, ए एन इज इक्वल टू 320 एंड आर इज इक्वल टू टू। तो ये गिवन डेटा है, फाइंड करना है हमें, एक तो एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है बच्चों। तो पहले n फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, a1 इज इक्वल टू 5 मतलब कि फर्स्ट टर्म जो है वो a1 है, मतलब कि a हमें गिवन है 5, सही बच्चों। अगर हमें n फाइंड करना है सो ये वाला टर्म जो है, मतलब लास्ट टर्म हमें गिवन है, उसको यूज करके हम n फाइंड कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन। बच्चों फॉर्मूला याद है सबको, ए एन की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 320 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 5 रखेंगे, आर ऑल्सो गिवन, कितना दिया है आर, 2 दिया है, तो 2 का पावर एन माइनस वन बच्चों, सही है बच्चों। ओके तो क्या आ जाएगा, देखो ये 325 जो है वो डिनोमीटर में चला जाएगा इस तरफ, यहां पे बचेगा क्या, 2 रेज टू एन माइनस वन बच्चों। इसका कटिंग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 6 4 30 एंड 4 जा तो 64 इज इक्वल टू 2 का पावर एन माइनस वन होगा कि नहीं बच्चों। ओके ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ, 64 मतलब 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1 होगा, 64 को हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं बच्चों। ओके क्या होगा, बेस कॉमन है, इक्वल है, तो वी विल कंपेयर द पावर, क्या होगा, n मिलेगा 6 प्लस 1 मतलब कि 7, ये वैल्यू हमें मिल गई, n इज इक्वल टू 7, इजी है ना। अगर दो तीन फॉर्मूला अगर याद रह गई तो अभी मुश्किल नहीं है, कोई भी कर लेगा, लेकिन फॉर्मूला याद होनी चाहिए हमें। और फाइंड करना है एस एन बच्चों, एस एन को भी फाइंड कर लेते हैं। एस एन कैसे करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 2 है तो वो वाली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाली करेंगे, a अंडर ब्रैकेट r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना बच्चों। तो क्या आएगा, a गिवन है हमें 5, ओके r रेज टू n माइनस 1, r क्या है 2, 2 का पावर n, अभी कितना n है 7 है, तो हम लोग जो फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है, एस सेवन है, एन की जगह पे क्या रखना है, सेवन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन मतलब व्हाट, टू माइनस वन बच्चों, क्लियर है, वेरीफाई। देखो अभी क्या होगा, देखो फाइव टू माइनस वन मतलब बचेगा क्या, ओनली फाइव तो बचेगा है ना, और टू का पावर सेवन करना है हमें, राइट एंड क्या होगा वो 64 मतलब कि 128 माइनस 1 मतलब क्या हो गया 127, सही है बच्चों,
क्या किया मैंने, 2 का पावर 7 होता है 128, माइनस 1 हो जाएगा 127, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 तो 13 एंड 5 1 जा 5 एंड 6 35, ओके तो आंसर क्या आ रहा है 635, विल चेक 635 करेक्ट आंसर, यस एस एन इज इक्वल टू मतलब क्या एस सेवन क्या आ जाएगा 635, तो ये सेकंड आंसर आ गया बच्चा, क्लियर है सबको, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले दोनों समझ लेते हैं फिर मैं आपको टाइम दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन डेटा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है और गिवन डेटा है A1 इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 5, फाइंड A6 एंड 5, 6। देखो ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है बट इसको आप ना दोनों क्वेश्चन को फाइल में ले लो ठीक है, क्योंकि जीपी से हमने अभी तक क्वेश्चंस फाइल में सारे अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं लिए है, तो ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गिवन डेटा है और आपको ये A6 है S6 है या एन टर्म्स है ये सारे चीज फाइंड करने रहेगी बच्चों, करेक्ट ओके। गिवन डेटा में देखो फर्स्ट टर्म A1 गिवन है मतलब कि A गिवन है 4, ओके तो ये हो गया हमारा 4, R ऑल्सो गिवन 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट A6, A6 क्या होता है लास्ट टर्म, A6 मतलब क्या सिक्स्थ नंबर का टर्म, T6 भी लिख सकते हैं ऐसे T6 भी लिख सकते हैं या A6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, समझे ना बच्चों, तो A6 क्या हो जाएगा कि A इंटू R रेस्ट टू व्हाट 6 माइनस 1, A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4, R की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5 और 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, देखो क्या हो गया इसको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 625 होता है और इंटू 5, देखो मैंने इसको स्प्लिट किया 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 के अंदर, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मुझे जो इजी लग रहा है मैं उसी हिसाब से जा रहा हूं, तो 5 का पावर 4 है जिसको मैंने स्प्लिट किया 5 का पावर 4 इंटू 1, 5 का पावर 4 होता है 625 और इंटू 5 मैंने वैसे ही रख दिया, अभी 5 4 जाओ कितना हो जाएगा बच्चों 20 और ये हो जाएगा 625, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 625 का डबल क्या होता है 1250 और ये 0 बाकी तो इतना, तो A6 जो है वो कितना आंसर आया 12500 बच्चों, क्लियर है सबको, बहुत इजी है वैसे, फॉर्मूला ही डालनी होती है और कुछ ज्यादा है नहीं ना, अभी क्या फाइंड करना हमें S6 फाइंड करते हैं, लेट्स से S6 क्या होगा फॉर्मूला हमें पता है A इंटू देखो R इज ग्रेटर देन 1 है सो वी हैव टू यूज व्हाट R इज टू n माइनस 1 का पावर सॉरी R इज टू n माइनस 1 और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में R माइनस 1, A कितना है हमारे पास 4 है, R कितना है 5 है, n कितना है 6 है, 6 ही तो है ना, माइनस 1 R कितना है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4/4, 5 का पावर 6 माइनस 1 अगेन सेम पोजीशन आ गई ठीक है ना, तो यहां पे तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा ओके, तो 5 का पावर जो है इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 का पावर 6 मतलब 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 625 इंटू 25, तो 625 इंटू 25 देखो इसका हो जाता है 12500 एंड देखो मेरा मल्टीप्लीकेशन आप लोगों से थोड़ा उल्टा होता है ना हमारे जमाने का, सो यू हैव टू डू योर सेल्फ, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2, 6 5 जा 30 प्लस 1, 5 2 6 5 1 मतलब क्या आया 15625, 5 का पावर 6 एंड -1, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया, यहां से -1 जाएगा, बचेगा क्या 15624S6, ये है S6 बच्चों ओके,
दो क्वेश्चन है ओके और ये हमारा क्या है रफ वर्क है. नोट इट डाउन बच्चों. यस बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स एस्टन एक्सरसाइज 9P. क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी. जीपी इज गिवन 3, 3/2, 3/4 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव सम दिस वन. ओके सो सम इज गिवन वी हैव टू फाइंड एन है ना नंबर्स ऑफ टर्म्स. ओके तो कितने सम है जो यहाँ पे एडेड है दैट गिव दिस आंसर 3069/512. तो वैल्यू जो है गिवन है यहाँ पे वो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू 3 बच्चों सही है. एंड आर इज ऑल्सो गिवन दैट वॉट 3/2/3 राइट t2/t1 सो आंसर इज वॉट 1/2 बच्चों सही है. एंड अगर t3/t2 करे तो t3/4 3/4/3/2 इट्स ऑल्सो 1/2. तो यहाँ पे r जो है वो गिवन 1/2 एंड a जो है वो 3 इतनी वैल्यूज हमारे पास है. हमें फाइंड करना है n टर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फॉर्मूला s n इज इक्वल टू व्हाट बच्चों a इंटू r रेज टू n माइनस 1/r-1. क्यों मैंने ये लिया ये क्यों नहीं लिया आपको पता है. गलत लिया ना तो बोलो ना गलत लिया तो इसको घुमा लेते हैं. क्यों यहाँ पे r इज लेस देन 1 लेस देन 1 क्या लिखेंगे हम 1-r होता है ठीक है. तो क्या हुआ यहाँ पे r क्या है लेस देन 1 है सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते क्या क्या गिवन है हमारे पास. सम गिवन है क्या है 3069/512 इज इक्वल टू ए. ए गिवन क्या है 3 है ना 1-. आर क्या गिवन है 1/2 उसका पावर कितना हो जाएगा भाई एन अपॉन 1-1/2 सही है बच्चों. ए और आर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की एज वेल एज सम भी हमने सब्स्टिट्यूट किया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3, 1-1/2 क्या होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/2 होगा ना 1-1/2 एलसीएम लेके चेक कर लो 1/2 होगा ठीक है. लेकिन ये 1/2 डिनोमिनेटर में रहेगा और यहाँ पे क्या रहे बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता इसका पावर n. समझ में आया बच्चों फाइन. अभी टी टू कहाँ पे जाएगा न्यूमिनेटर में जाएगा बच्चों सही है. तो क्या आएगा हमारे पास फाइनली 3069/512 इज इक्वल टू 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में 1-1/2 का पावर n एंड ओवर सही है बच्चा 6 हम ले जाते हैं डिनोमिनेट क्या बचेगा देखो 3069/512 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1-1/2 का पावर n ये ब्रैकेट बच गया 6 हमने ले लिया डिनोमिनेटर में. देखो अब क्या हो सकता है कटिंग हो सकता है देखो 3 2 6 एंड यहाँ पे 1023 3 का कटिंग है ना मैंने तो 1023 अपॉन क्या 512 इज इक्वल टू सॉरी 512 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1-1/2 का पावर n ठीक है. अभी थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं. ये जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो देखो क्या होता है 1/2 का पावर n इज इक्वल टू 1 तो है ही ये पूरा टर्म उधर जाएगा माइनस 1023 512 इंटू 2 क्या लिख सकता हूं मैं 1024 512 इंटू 2 सही है बच्चों बस हो गया. इसका एलसीएम लेके करोगे तो 1024-1023 मतलब क्या आएगा 1/1/1024 बच्चों समझे. अभी ये 1/1024 क्या होता है कैलकुलेट करो 248
16, 32, 64, 128, 256, 512 and 1024. ओके तो 10th पावर है किसका 10th पावर है 2 का 10th पावर है. यहां 1 अपॉन 2 रेज टू n है, यहां पे 1 अपॉन, तो हमें ये आउटकम मिला. यहां से देखो ये यहां पे है इसका सॉल्यूशन क्या आया है हमारे पास, 1 अपॉन 2 का पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर 10. सही है बच्चा, आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 10. ये है हमारा आंसर. समझ में आया ना बच्चों? तो ये क्वेश्चन था, सम गिवन था, जीपी गिवन थी और हमने एन फाइंड करना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड ए इज इक्वल टू 3, देन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, आर इज लेस देन 1, सो वी यूज दिस फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर. सही बच्चों? एंड फिर जो सम गिवन है 3069, ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू जो गिवन थी, फिर ए की वैल्यू और आर की वैल्यू हमने रख ली. ओके ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 अपॉन 2 बचा. ये 1 अपॉन 2 जो है वो कहाँ जाएगा, डिनोमीटर से न्यूमेरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 2, तो 2 का 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, बाकी का जो ब्रैकेट का वही रखा. फिर 6 को हमने क्या किया, डिनोमीटर में लाए हम, डिनोमीटर लाने के बाद उसका कटिंग किया 3069 से, तो कटिंग 3 से कटिंग हो रहा था 1023 अपॉन 512 इनटू 2 बचा बच्चा. सही है ओके. फिर हमने थोड़ा जो टर्म्स थे उसको थोड़ा सेट किए, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर एन जो था उसको लेफ्ट साइड लेके आए तो वो प्लस बन गया, और ये जो 1 है वो वहीं का वही है, और ये पूरा टर्म राइट साइड चला गया तो माइनस हो गया. समझ में आया ना, आराम से आप अपनी अपने पेन से लिख नोटबुक के अंदर आप आराम से करना, खुद करना. और फिर यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से 1024 माइनस 1023 सो 1 बचा और अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1024 का वैल्यू क्या है, 2 का पावर 10. तो हमने ये और ये जो 1 अपॉन 2 का पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर 10 पावर कंपेयर कर लिया तो n इज इक्वल टू 10. सही बच्चों.